अस्सलामुअलैकुम क्लास 5, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सेहत के साथ होंगे और अपना बेहतरीन ख्याल भी रख रहे होंगे, घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे, ज़रूरत के तहत तो निकल रहे होंगे। अच्छा, ये है आपकी इस्लामियती क्लास और आज दिन है पीर का और तारीख है 25/1/2021, यानी कि 25 जनवरी 2021, और मैं हूँ आपकी इस्लामियत की टीचर आयशा अदनान जी। बच्चों, हमने अपनी लास्ट क्लास में आपको पेपर पैटर्न पूरा समझाया था कि किस किस्म का पेपर आएगा इस्लामियत का, एमसीक्यूज बेस्ड है तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने चैप्टर्स की पढ़ाई करनी है, एक एक चीज़ को गौर से पढ़ना है। अगर आप लोगों ने चैप्टर्स को पढ़ा हुआ है अच्छे तरीके से, अपना कॉपी वर्क समझा हुआ है, तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा उस पेपर को करना, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने बुक्स नहीं पढ़ी हैं, चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, तो आप पेपर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है पेपर, पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है आपका पेपर। अच्छा, क्योंकि अब हमारे एग्जाम्स जो हैं वो आगे बढ़ गए हैं, मुलतवी हुए हैं, 1 फरवरी तक चले गए हैं, तो अब हम अपना सेकेंड टर्म यानी कि मीकाते दोम का आगाज़ कर रहे हैं, ठीक है। और मीकाते अव्वल में हमने अपने कौन से दो असबाब कम्प्लीट किए थे? मिकात अव्वल में हमारे दो चैप्टर्स थे, दुनिया आखरत की खेती है और अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी अहमियत। अच्छा, ठीक है, हमने दुनिया आखरत की खेती और अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है और उसकी अहमियत, ये हमने अपने फर्स्ट टर्म में किया था यानी कि मिकात अव्वल में किया था, और अब आपके फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स में ये दोनों चैप्टर्स शामिल हैं, ठीक है। अब हम अपना मिकात दोम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मिकात दोम में आप हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है रोज़े का तारुफ और अहमियत, ठीक है। अच्छा, अब एक दफ़ा मैं चाह रही थी कि आप लोगों से ये हम रिवाइज कर लें, क्योंकि उम्मीद है कि आप लोगों ने इसके क्वेश्चन आंसर्स अपने कॉपी में कर लिए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स क्लास 5 आप लोगों को मैं सिर्फ समझाती हूँ और करते आप लोग अपने खुद हैं, ठीक है ना, मैं निशान लगवाती हूँ। खाली जगहें ये हमने करी थी, ठीक है, खाली जगह पुर कीजिए, ये आपको कॉपी में उतारनी है खाली जगह, और सवाल जवाब आपको कॉपी में करने थे, ठीक है। ये दोनों चैप्टर आप लोगों ने काम करना है, बहुत से बच्चों ने किया था जो कॉपीज चेक होने के लिए आई थी, और बहुत से बच्चों ने नहीं किया हुआ था, ठीक है। चलिए, तो अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम लिखे हैं, नी सूरह मोहम्मद में अतात के बारे में क्या कहा गया है इसके बारे में आपने लिखना था, और सूरह मोहम्मद का यहाँ पर दिया हुआ है पूरा, ये है सूरह मोहम्मद का, ठीक है, तो इसको आपने पढ़ना है और इसके मफहूम को, इसकी तर्जुमे को एज इट इज़ नहीं उतारना है, बल्कि अपने अल्फाज में लिखना है। दुनिया और आखिरत में कामयाबी किस तरह मुमकिन है, इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे हमने समझा था, तो ये सवाल हम कर सकते हैं। अल्लाह ताला की मोहब्बत का हुसूल कैसे मुमकिन है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात का क्या इनाम है, और ये तमाम खाली जगहें जो हैं ये भी आपने कॉपी में करनी हैं, ठीक है, इनको फिल कीजिएगा चैप्टर को पढ़ के, एक दफ़ा ज़रूर चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, अगर किसी बच्चे ने ये सवाल जवाब नहीं किए हैं अभी तक, तो पहले ये चैप्टर कंप्लीट होगा फिर आप लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आज हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो रोज़े का तारुफ और उसकी अहमियत जो है उसके बारे में एक जायज़ा लेंगे, ठीक है ना। अभी हम अपना चैप्टर का बाकायदा आगाज़ नहीं करेंगे, बल्कि रोज़े का तारुफ और अहमियत का एक सिर्फ एक जायज़ा लेंगे, सही। अच्छा, रोज़ा है क्या, और आपको पता है कि रोज़ा जो है वो हम कब रखते हैं? आप लोग क्लास 5 में हैं माशाल्लाह, तो आप लोगों को पता होगा कौन से महीने में रखते हैं हम रोज़ा, रमज़ान में रखते हैं। अब कुछ अरसे में 2-3 महीने में आने ही वाले हैं रमज़ान भी, ठीक है, रमज़ान में जो है वो रोज़े रखते हैं, और रोज़े का मफहूम क्या है, रोज़े की अहमियत। अच्छा, रोज़े को अरबी में क्या कहते हैं, सोम कहते हैं, और उसका मतलब क्या है, रुकना, सिर्फ खाने पीने से रुकना है सिर्फ रोज़े का नाम, या हम अपनी तमाम रूटीन को भी देखें कि हमारी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें छोड़ देना चाहिए। सिर्फ रुकना वो है कि बुरी आदतों को तो हमें छोड़ देना चाहिए, अगर कोई झूठ बोलता है तो क्या रोज़े में झूठ बोलना जायज़ हो जाएगा? वैसे भी जायज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ खाना पीना छोड़ देना सही नहीं है, बल्कि किस किस चीज़ से, हर बुरी बात से रुकना। अगर हम किसी का, हमें आदत है कि हम जो है वो चुगली कर देते हैं या गीबत कर देते हैं, अक्सर हम बैठते हैं 2-3 लोग, तो
आपस में किसी ना किसी की बुराई कर देते हैं। तो इन चीज़ों से हमें रुकना है और इन चीज़ों को हमें तर्क करना है, छोड़ना है, सिर्फ रमज़ान तक के लिए नहीं, बल्कि हमें कोशिश करनी है कि जो भी हम बातें सोचें, हमें अपने आदात अतवार जो हमें लगता है कि सही नहीं है, तो उनको हमने छोड़ देना है उन बातों को। और रमज़ान का महीना जो है वो किस चीज़ के लिए बिलखसूस है? रोज़े के लिए तो है, रमज़ान में तो रोज़े रखते हैं, लेकिन और किस चीज़ के लिए है? किस चीज़ के लिए कहा गया? कुरान के लिए कहा गया है कि रमज़ान को कुरान का महीना कहा गया है। सही। अच्छा, और रोज़े में क्या है? अच्छा, रोज़ा जो है उसमें क्या है? रमज़ान में रोज़ा रखना है, रोज़ा रखने की दुआ भी है, रोज़ा खोलने की दुआ भी है, और सहरी करने का भी सवाब है और अफ्तार करने का भी सवाब है ना। खाली पेट रोज़ा रखना जो है उससे कहा गया है कि अपने आप को मुशक्क़त में मत डालो, यानी कि अपने लिए मुश्किल मत करो, उठो और रोज़े रखने, मतलब जो सहरी करने का वक्त होता है उसकी भी अलग इबादत भी है और उसकी जो अहमियत है ना वो बहुत ज़्यादा इस लिहाज से भी है कि उसकी में उस वक्त हमारी दुआएं बहुत कबूल हो रही होती हैं। वो वक्त ऐसा होता है कि हम अपनी नींद तोड़ के अगर उठते हैं तो अल्लाह के लिए उठ रहे हैं, तो उस वक्त हमें अल्लाह ताला की तरफ से ना अजर भी बहुत बड़ा है उसका। ठीक है, रोज़ा हम इसमें पढ़ेंगे, रोज़े के फ़ज़ाइल क्या हैं, रोज़े की अहमियत पढ़ेंगे और तकवा किस तरह से हासिल हो सकता है हमें। अच्छा, हदीस भी देख लें, रोज़ा दोज़ख से बचाने के लिए ढाल और मजबूत किला है। रोज़े के फ़वाइद पढ़ेंगे, रोज़े की माशरती अहमियत पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम चैप्टर अब इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में बाकायदा इसका आगाज़ करेंगे। आज मैं चाह रही थी कि आप लोगों को रोज़े का तारुफ और अहमियत का एक छोटा सा जायज़ा दें और आप लोगों को मैं समझा भी दूँ कि अगर अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी अहमियत का कोई सब काम आपका रह गया है तो पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए और अपने पेपर्स की अच्छे से तैयारी कीजिएगा। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।